तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे लेयर थ्री पे ऑप्टिमिज्म की वीकेंड बाउंटी चल रही है। इसको आपको क्लेम करना है। यहाँ पे एक्सपी क्लेम होंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल वगैरह भी इसका लेवल बढ़ेगा और यहाँ पे इसमें भी आपको एयरड्रॉप मिलने का चांसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना है ऑप्टिमिज्म से और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे टास्क करने हैं। देखो यहाँ पे जो आपको खर्चा रहता है वो यहाँ पे आपको फीस फीस का रहता है। बकाया यहाँ पे जो भी आप अपना इधर से उधर करोगे वो आप अपने वॉलेट में दोबारा ला सकते हो, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट वाला है इसमें आपको अबाउट होप प्रोटोकॉल, इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे, गलत पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली रेड आ जाएगा और जो सही होगा वो ऑटोमेटिकली ग्रीन आ जाएगा। वो मैंने कर लिया इसलिए मैं आपको वीडियो में लाइव नहीं दिखा पा रहा हूं, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखा देता। एंड ये करने के बाद आपको सेकंड वाले पे आ जाओगे। अब इसमें ये कह रहा है ब्रेफ WETH को आप HETH में मतलब होप ETH में कन्वर्ट करो ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगा यूनिस्वैप पे। यहां पे मैं क्या काम करूंगा, अपने ETH को WETH में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे नेटवर्क सिलेक्ट करूंगा ऑप्टिमिज्म, ठीक है। एंड यहां पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करूंगा, मेटामास्क पे क्लिक करूंगा, देन मेटामास्क पे मेरी कंफर्मेशन आएगी और यहां पे मैं कनेक्ट कर लूंगा। और हाँ, आपको मेटामास्क में अपना फंड दिखा देता हूँ, मेरा फंड कितना है, आप फंड भी देख लो। यहाँ पे $22.52 मतलब $22 समझ लो। एंड यहाँ पे मैं ETH को WETH में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। ऊपर आप अपना ETH सिलेक्ट करना और नीचे इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना WETH डाल देना, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कितने अमाउंट का करना चाहते हो, यहाँ पे आप कितने भी अमाउंट का कर लेना। तो मैं यहाँ पे 0.002 का कर ले रहा हूँ, ये अराउंड लगभग $2 के आसपास होता है। अब मैं यहाँ पे स्वैप कर लूंगा, मतलब इसको ब्रैप कर लूंगा। देख सकते हो यहाँ पे आपका फीस सिर्फ 70 पैसे के अराउंड लग रही है, ₹1 भी पूरा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे मैं कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे दिख भी जाएगा कि आपका $2.55 का यहाँ पे ETH ब्रैप ETH में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है, ये आपको कहाँ पे करना है, आपने क्या काम किया, आपने अपनी ETH को WETH में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको अपने WETH को जो होप एक्सचेंज है ना HETH में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए जो स्टार्ट का ऑप्शन है ना, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनका होप एक्सचेंज पे आ जाओगे। अब यहाँ पे भी आपको ही अपना ऑप्टिमिज्म नेटवर्क सिलेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो कन्वर्ट का ऑप्शन था ना, आपका क्या था, WETH था, ठीक है। तो आपको उसको HETH में कन्वर्ट करना है और ऊपर देख लेना यहाँ पे सेंड पूल कन्वर्ट रिवार्ड, तो आपको इस पे कन्वर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और रिवार्ड पे आपको अभी मैं दिखा दूं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे अभी मेरा कुछ भी नहीं शो हो रहा है, ठीक है, एक भी मतलब क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चलिए मैं अपना ये जो मेरा WETH है ना, इसको मैं कर लेता हूँ एच मतलब इसमें। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी फीस भी बचानी है, तो यहाँ पे मैंने 002 ही करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करूंगा, आपको फीस भी चाहिए ना ऑप्टिमिज्म पे, सारा कर दोगे तो फीस कहाँ से लाओगे भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्वैप पे क्लिक कर देता हूँ, फीस वही देखो आपको ₹1 के अराउंड लग रही है ऑप्टिमिज्म पे, बहुत कम है। तो यहाँ पे पहले अप्रूव होगा फिर उसके बाद शायद कन्वर्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये देखो कन्वर्ट का ऑप्शन आया, अब मैं यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर से फीस ₹1 के अराउंड है और यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट पे क्लिक किया और थोड़ा सा वेरिफिकेशन लेगा। एंड यहाँ पे ये सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया शायद, हाँ हो गया, नीचे भी शो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं उसी साइड पर और यहाँ पे हम वेरीफाई करके देखते हैं क्या हमारा टास्क हो गया या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, अगर कुछ रह गया होगा तो देखो हमारा ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है एड लिक्विडिटी ETH पूल ऑन होप ऑप्टिमिज्म पे, तो हम अगेन होप पे आ गए और यहाँ पे ये पूल का ऑप्शन दिख रहा है ना, हम पूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ETH का कौन सा पूल है। तो उन्होंने ETH और यहाँ पे होप बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ना ऑप्टिमिज्म ETH और HETH, तो इस पे हमको करना है क्लिक। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास WETH पहले का बचा हुआ है, ठीक है, और हमने अभी HETH को कन्वर्ट किया था। तो आप यहाँ पे कितना करना चाहते हो वो भी आप देख लेना। मान लीजिए मेरे पास 0.002 है, तो यहाँ पे आप 0.001 भी कर सकते हो जो कि $1.28 के अराउंड होगा। नीचे ऊपर दोनों आप बराबर अमाउंट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से प्रीव्यू डिपॉजिट एंड स्टेक, तो इस प्रकार से आपको क्लिक करना। अब ये अप्रूव वगैरह करेगा, आपके मेटामास्क पे कंफर्मेशन वगैरह आएगी, फीस वही सेम ₹1 के आसपास और आपको ये अप्रूव। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ये डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, इसकी भी आपको कंफर्मेशन आएगी। एंड यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से, अब यहाँ पे अप्रूव LP को अप्रूव करेगा ये, उसका भी कंफर्मेशन आपके सामने आएगा, ठीक है। फीस वही आपको ₹1 के अराउंड लगेगी। अब इसका भी कंफर्मेशन आएगा, इसका भी कंफर्मेशन,
आपके सामने आ गया, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे आपके सामने डन का ऑप्शन आ जाएगा, अब यहाँ पे आप डन पे क्लिक कर देना, ठीक है। आपने डन पे क्लिक कर दिया एंड उसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको माई लिक्विडिटी में आपके जितने अमाउंट की लिक्विडिटी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, और उस जो लिक्विडिटी आपने ऐड की है ना उससे आपको जो होप टोकन है ना उसकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। देखो आपके पास अगर इसको टास्क करना है तो यहाँ पे अगर आप 50-60 रुपए या 100-150 रुपए से करोगे तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टिमिज्म पे हर ट्रांजेक्शन में 1 रुपए लग रहा है, ठीक है। अब हम वो वाला अपना टास्क करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, हमने ये कर दिया ना लिक्विडिटी वगैरह, अब हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर सारा काम सही हो गया होगा तो ये देखो वेरीफाई हमारा हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है लैंड करो अपने ETH ऑन आबे ऑप्टिमिज्म, ठीक है। आबे पे मतलब ETH को मतलब लैंड करना है आपको आबे पे ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पे, तो चलिए हम इस पे भी स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अभी आपको रिडायरेक्ट कर देगा आबे पे, तो यहाँ पे भी आपको करना है कनेक्ट, और यहाँ पे आपको अपना ये ब्राउजर वॉलेट है ना इस पे क्लिक करना है, और ये आपको ऑटोमेटिकली मेटामास्क पे ले जाएगा, देन कनेक्ट पे क्लिक करना, और सक्सेसफुली यहाँ पे भी आपका कनेक्ट हो जाएगा नेटवर्क। आप लोग अपना ध्यान रखना कि आपका नेटवर्क ऑप्टिमिज्म, ये देखो नेटवर्क यहाँ पे दिख जाएगा कि ऑप्टिमिज्म पे। देन अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो उन्होंने ETH को कहा था ना लैंड करना है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक WETH वाला एक ETH वाला, तो यहाँ पे आपको ETH वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे सप्लाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप कितने अमाउंट का करना चाहते हो ये आप वापस भी ले सकते हो, आप यहाँ पे कितने भी छोटे से छोटे अमाउंट का कर देना, मैं यहाँ पे सेम वही 0.001 का करूंगा, आप इससे भी कम का कर सकते हो, मैं तो यहाँ पे 100 रुपए का कर रहा हूँ, आप यहाँ पे 10 रुपए का भी कर सकते हो। सप्लाई ETH पे क्लिक करना, फीस देख लेना आपके पास कितनी लगेगी यहाँ पे, तो फीस भी यहाँ पे आपको वही 1 रुपए के आसपास फीस लग रही है, अमाउंट तो आपका वही सेम रहेगा जितना आप करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसको अगर आप अपने वॉलेट में ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर लेना, ये आपका वॉलेट में शो हो जाएगा AWETS, ठीक है। और उसके बाद एक बार अपना जब पेज रिफ्रेश करोगे ना तो जो आपने यहाँ पे सप्लाई किया ना इसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा और यहाँ पे सो जाएगा। विड्रॉल करना चाहो या स्वैप करना चाहो तो विड्रॉल करना चाहोगे तो विड्रॉल हो जाएगा, स्वैप करना चाहोगे तो अपने उस ETH को अपने जिस भी नेटवर्क में करना चाहो उसमें आप कर लेना इस प्रकार से। चलिए मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखा देता हूँ, अगर आपको USDC में करना है तो वो भी आपका हो जाएगा नीचे मैक्सिमम पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गैस फीस वगैरह लेगा, वो सारा हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। अब चलिए हमने यहाँ पे ये तो कर दिया, अब मैं बैक जाता हूँ, वहाँ पे वेरीफाई करूंगा यहाँ पे, मगर मुझे यहाँ पे ये चीज़ का भी कंफर्म नहीं है ये वाला कि मुझे यहाँ पे बोरो भी करना है, ठीक है। तो मैं ये रहा मेरा ETH, तो मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पे कि इतने में मेरा काम हो गया नहीं हो गया, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, मैंने यहाँ पे लैंड कर दिया अपने ETH को, तो यहाँ पे देखता हूँ वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। तो समझ लो इतना ही करना है आपको। अब ये कह रहा है आपको डिपॉजिट करना है SUSD को पूल में कर्व नेटवर्क पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है वेरीफाई, सॉरी गाइस मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया, स्टार्ट पे क्लिक करना है पहले मुझे, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक तो ये आपको कर्व की वेबसाइट पे मतलब रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको नेटवर्क ऑप्टिमिज्म ही रखना, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना, मेटामास्क पे क्लिक करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना, कनेक्ट पे क्लिक करना, सक्सेसफुली आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि आप डिपॉजिट, तो जब कर्व की वेबसाइट पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको SUSDC कहाँ से मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिस्वैप पे आ जाना और ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पे आपको $1 का आपको USDT ले लेना, $1 का ले लोगे या फिर 7 रुपए का 0.1 ले लोगे उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो आप जब कर्व पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ये स्वैप का ऑप्शन मिल रहा है ना, ये देखो मैं कर्जा हिला रहा हूँ, ये स्वैप पे जब क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, ये SUSD को नीचे कर लेना है इस एरो पे क्लिक करके, और ऊपर आपको सेलेक्ट करना है USDT जैसे कि मेरे पास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक कर देता हूँ और अपना इतना मुझे यहाँ पे अप्रूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे SUSDT मिल जाएगा, इधर अप्रूव का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे मुझे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको सेंडिंग अप्रूव्ड हो जाएगा और यहाँ पे स्वैप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे SUSDG स्वैप हो जाएगा, ठीक है। फीस देखो वही शायद यहाँ पे 3-4 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे देखो आपको दोनों टास्क कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इतने पे जाके पहले उधर देख लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कहीं डिपॉजिट वगैरह करना पड़ेगा। मैं इतने पे यहाँ पे देखता हूँ वेरीफाई हो गया नहीं हो गया, ठीक है। वो यहाँ पे सारा फंड आपके आपके पास ही है, सिर्फ फीस का खर्चा है, बकाया आपका फंड कहीं पे भी नहीं जा रहा। तो मैं वेरीफाई पे क्लिक करके देखता हूँ ये मेरा टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मेरा अभी नहीं हुआ है, मैं इसमें थोड़ा
क्यों नहीं हुआ, हमको क्या करना था, डिपॉजिट। हमने क्या काम किया यहाँ पे, सिर्फ स्वैप किया है अपने यूएसडीटी को, एस यू मतलब जो इनका इनका वाला सी यूएसडीसी था, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस डिपॉजिट पे क्लिक करना है और हमारे पास जो एस यूएसडी है ना, इसको हम डिपॉजिट करेंगे, तब यहाँ पे हमारा होगा काम, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे अप्रूव पे क्लिक और यहाँ पे मेटामास्क पे कंफर्मेशन आएगी, सेम वही आपको 3-4 रुपए की फीस लगेगी और यहाँ पे पहले अप्रूव हो रहा है फिर डिपॉजिट होगा, अप्रूव कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे, आ जा फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग ये कर लोगे तो आपको ही बेनिफिट है फ्यूचर में भी, और अभी भी कंफर्म पे क्लिक किया और ये मेरा डिपॉजिट सक्सेसफुली हो जा, ग्रीन हो जाएगा, मैं बैक यहाँ पे चला जाऊँगा, हो जा फटाफट फटाफट। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, ठीक है। वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, अब हो जाना चाहिए क्योंकि हमने डिपॉजिट कर दिया ना भाई, तो यहाँ पे हो जा, हो गया देखो, ठीक है। अब ये कह रहा है स्टेक करो योर यूएसडी को और अनस्टेक एलपी, ठीक है। आपको स्टेक भी करना है और अनस्टेक भी करना है, जो एस यूएसडी है ना, तो इसको हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं भाई अब ये हाँ कर्व पे ही ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एलपी में, तो यहाँ पे आपको बैक आना है वेबसाइट पे और रिफ्रेश कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ये डिपॉजिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ना, अब यहाँ पे आपको जो आपने यूएस मतलब जो आपका वो था ना, कौन सा वाला था, एस यूएसडी, वो आपने जो अभी डिपॉजिट किया था एक, उसी से काम होगा, हमको दूसरा नहीं करना है। तो आपको ये एक मिलेगा डिपॉजिट का, स्टेक का, और ये डिपॉजिट एंड स्टेक का, तो आपको करना है डिपॉजिट एंड स्टेक पे क्लिक एंड सॉरी गाइस, तो यहाँ पे आपको स्टेक पे क्लिक करना है बीच वाले पे, ठीक है। तो बीच वाले पे क्लिक करना है, तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसी को जो हमने किया था ना, उसी से ही हमारा काम हो जाएगा। पहले यहाँ पे अप्रूव कर दें, फिर यहाँ पे स्टेक बटन पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे आपका पॉपअप आएगा, ठीक है। इसको भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देना। अब जैसे यहाँ पे ग्रीन होगा तो ये भी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने ही, ठीक है। ठीक है, ये वाले कंप्लीट हो गए ना दोनों आपके सामने और ये अमाउंट भी आ गया। अब यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे तो ये हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा, मैंने रिफ्रेश नहीं किया, नहीं तो अभी भी हो सकता है, हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा कंप्लीट हो गया और हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये देखो फाइनली हमारा सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो गया और यहाँ से हमारा लेवल भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट चैलेंज वगैरह दिखा रहा है कि आपका अनलॉक होगा 1 आवर और इतने टाइम बाद, ठीक है। और अपना सारा फंड निकालना भी है आपको, तो देखो निकालना कैसे है ना, आपको सबसे पहले कर्व वाले पे ही निकाल लेते हैं हम स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे आपको ये विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। विड्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और नहीं सॉरी गाइस, डिपॉजिट पे थे नीचे जो हमारा, ऊपर विड्रॉल पे आने के बाद यहाँ पे ये अनस्टॉक का ऑप्शन है ना, अनस्टेक पे क्लिक करेंगे और मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे, अनस्टेक पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फिर से ट्रांजेक्शन आएगा, वेरिफिकेशन लेगा थोड़ा सा और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको विड्रॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम करके यहाँ पे आपको अपना विड्रॉल लेना है अपने वॉलेट में, तो यहाँ पे पहले अप्रूव करोगे, देन कंफर्म पे क्लिक करना, देन अप्रूव होगा और यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे, तो ये आपसे कह रहा है यहाँ पे टिक करने को, तो यहाँ पे आप टिक कर देना और यहाँ पे विड्रॉल एनीवे पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको फिर से एक ट्रांजेक्शन आएगा और फाइनली आपको विड्रॉल हो जाएगा। और ना आप यहाँ पे अपना जो अमाउंट था ना, उसको आप जो यूएस यूएसडी थे ना, उसको आप अपने यूएसडीटी में या फिर अपने ईटीएच में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं अपना भैया यूएसडीटी में ही कर लूँगा। तो मेरा यहाँ पे कितना था, मेरा 1.1 लगाया था, 1.9 आ रहा है, बिल्कुल सही है, इतना तो चलता है फीस वगैरह में। ट्रांजेक्शन अप्रूव करना, कंप्लीट हो तो ही स्वैप पे क्लिक कर देना, फिर से ट्रांजेक्शन कंफर्म करना, थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन आएगा और ये फाइनली आपके वॉलेट में आपका यूएसडीटी आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे अपना जो होप है ना, इसको भी यहाँ पे हम अपने पूल में से अपने जो हमने स्टे किया था ना उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जो है ना ETH और ऑप्टिमिज्म, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। विड्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ऑल टोकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शायद WETH, सॉरी भाई लोगों, आप लोगों को यहाँ स्टेक पे क्लिक करना है और नीचे विड्रॉल का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है और मैक्सिमम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे विड्रॉल एंड क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ऑप्टिमिज्म ट्रांजेक्शन आएगा सेम उसी प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ पे आपको विड्रॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे, रिव्यू पे क्लिक करोगे और ये दोनों आपको कर लेना है। 2.5 का किया था ना, अब यहाँ पे हम विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और ये फाइनली हमारे वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको बताना,
जरूरी है ना, तो यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। देन मेरा एलपी का अप्रूव हो गया, अब यहाँ पे विड्रॉल का अप्रूव होगा। ठीक है, दो ट्रांजेक्शन आए, अब ये आपको कंप्लीट आपको शायद नीचे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब ये शायद मेरे वॉलेट में, अब आपका जो ये एच वाला ईटीएच था ना, उसको आपको कन्वर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो एच है ना, एच ईटीएच को यहाँ पे आपको ऊपर करना है, इस पर क्लिक करके, और यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक कर देना, और अपने डब्ल्यू ईटीएच को लेना। कन्वर्ट पे क्लिक करोगे, कन्वर्ट पे क्लिक करोगे तो वही आपका जो फंड था वो सारा आपके पास आ जाएगा। और जैसे ही आपका डब्ल्यू ई टी एच कन्वर्ट हो जाए ना, इसमें मतलब जो आपका एच ई टी एच कन्वर्ट हो जाए डब्ल्यू ई टी एच में, सेम उसी प्रकार से यूनिस्वैप पे आना, एंड यहाँ पे आपको ऊपर कर देना है ETH को नीचे, और यहाँ पे आपको लिखना है WETH WETS। ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका वही जो 4998 है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे नीचे इस पर अनब्रैप पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे आ जा। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन दे देना, और यहाँ पे सक्सेसफुली आपका स्वैप हो जाएगा। और जो USDT अभी कन्वर्ट किया था हमने, उसको भी हम वापस से अपना ETH में कर लेंगे। कन्फर्म पे क्लिक कर, ये भी सक्सेसफुली हो जाएगा। देन आबे पे जाएंगे, और हम सेम उसी प्रकार से हमने उस टाइम पे सप्लाई किया था, अब यहाँ पे हम डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे और मैक्सिमम पे क्लिक कर देंगे। हमारा ETH है वो यहाँ पे हमारे वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करना, देन यहाँ पे आपको कन्फर्म, और यहाँ पे विड्रॉल आपका ETH। ठीक है, कन्फर्म कर देना, और यहाँ पे आपका थोड़ा विड्रॉल का प्रोसेस लेगा, और ये आपका ऑल डन हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, और मेरे वॉलेट में ETH देखोगे तो मेरा इतना ETH है। अब यहाँ पे मेरा ETH इतना क्यों लगा, मैंने ज़्यादा अमाउंट से किया, आप यहाँ पे छोटे से अमाउंट से करना, बिल्कुल छोटे से अमाउंट का आपका बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से जो नीचे वाला है ना, कुछ घंटे बाद आपको ये भी ओपन हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर, और यहाँ पे कह रहा है मेक श्योर आप किसी भी मतलब एक स्वैप करिए, तो यहाँ पे आपने वन इंच पे आपको ऑप्टिमिज्म पे एक स्वैप अगर पहले कभी किया होगा तो वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने तो पहले कभी किया है, काफ़ी बार किया। ठीक है, एंड यहाँ पे रिवार्ड ऑन पूल टू गेट ऑप्टिमिज्म, तो यहाँ पे कुछ क्विजेस वगैरह आएंगे, देखो ऊपर पे क्लिक करोगे तो ग्रीन आ गया तो आपका इंस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है डिपॉजिट पूल इस प्रकार से, अब आपको यहाँ पे अगर आपने ये वाला नहीं किया होगा, ठीक है, तो आपको इसमें करना पड़ेगा जाके, दो तीन टास्क तो आपके फ्री में हो जाएंगे, बकाया आपको यहाँ पे गाइस स्टार्ट पे क्लिक करोगे। अब जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करोगे ये न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले कनेक्ट करना है, ध्यान रखना यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार से मतलब ऑप्टिमिज्म से ही कनेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्टिमिज्म नेटवर्क का होना ही चाहिए, जब यहाँ पे आप सारा काम ऑप्टिमिज्म पे ही कर रहे हो, ये आपको दिख रहा है ना ये इथेरियम का, इस पर आप इसको ऑप्टिमिज्म पे कर लेना लाके। ठीक है, जब ऑप्टिमिज्म पे लाओगे तो एक बार फिर से स्विच नेटवर्क के लिए ये कहेगा, तो आपको ये हो गया, और मेटामास्क में भी आपका मतलब ऑप्टिमिज्म का होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा ऑप्टिमिज्म का है। अब यहाँ पे मुझे डिपॉजिट कह रहा है, कितने कह रहा है ये, तो यहाँ पे इसने कहा है कि यहाँ पे आपको डिपॉजिट USDC इनटू पूल टुगेदर ऑप्टिमिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डिपॉजिट करना है, मैं यहाँ पे कितने करता हूँ डिपॉजिट, तो यहाँ पे हम ये वाला करते हैं USDC और यहाँ पे ऑप्टिमिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे रिव्यू डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास USDC होना चाहिए, USDC हमारे पास है नहीं, तो हम सेम उसी प्रकार से यूनिस्वैप पे जाएंगे। ठीक है, यूनिस्वैप, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमको कितना भी कर सकते हो, मैंने 0.1 किया है, क्योंकि सबसे कम से कम करना, आप यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं ज़्यादा करूँगा। ठीक है, आप जितना कम करोगे आपको उतने में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्वैप पे क्लिक कर देता हूँ, एंड सबमिट पे चला गया, देन यहाँ पे आपका सक्सेसफुली स्वैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जाना है उसी वेबसाइट पे। ठीक है, अब यहाँ पे डिपॉजिट टू बिन, तो यहाँ पे ऐसा है इवेंट चल रहा है, यहाँ पे भाई डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पे आप बिन भी करोगे, तो आप कितना करोगे यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ जाएगा, जब यहाँ पे आप रिफ्रेश इसको कर दोगे एक बार, तो आपके सामने मैं कर देता हूँ डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इस पर करना है मैं ऑप्टिमिज्म USDC। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 0.1 था ना, मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ, रिव्यू डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड 2 USDC, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 2 करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे 2 बाई कर लिया था। ठीक है, 2 बाई करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे आप कन्फर्म अप्रूवल पे क्लिक करना, आपके मेटामास्क पे एक कन्फर्मेशन जाएगी, उसी की तरह कन्फर्म करोगे उसी प्रकार से कन्फर्म अप्रूवल हो जाएगा, और कन्फर्म ट्रांजेक्शन पे
क्लिक कर देना है। कन्फर्म ट्रांजेक्शन में जैसे ही क्लिक करोगे फिर से एक ट्रांजेक्शन जाएगी आपके वॉलेट पे और सक्सेसफुली यहाँ पे ये नीचे लिख के आ रहा है डिपॉजिट टू एसडीटी, ये सक्सेसफुली आपके हो गए। और यहाँ पे वेबसाइट पे जाना और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना, जैसे ही वहाँ से कन्फर्मेशन इधर को आ जाएगी ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी कह रहा है एड यू एसडीटी लिक्विडिटी तो स्टार गेट में आपको लिक्विडिटी पूल करना है। अब यहाँ के आपको एक काम करना है, जैसे आपने ये यहाँ पे मतलब डिपॉजिट किया है ना, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए विड्रॉल भी कर सकते हो। यहाँ अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है ना, अकाउंट पे क्लिक करोगे नीचे और ये आपको दिख रहा है ये ऑप्टिमिज्म जिसमें आपने किया था, तो यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप कितना करना चाहते हो मैक्सिमम पे क्लिक करना, आपका ये यहाँ से मतलब रिव्यू विड्रॉल और यहाँ पे आपका इंस्टेंट विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका करते हैं ऐड लिक्विडिटी स्टार गेट में, तो यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, देन आप कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मेटामास्क पे क्लिक करना और सेम उसी प्रकार से स्टार गेट पे तो सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूल पे चले जाना है, ये पूल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे इन्होंने किस में लिक्विडिटी बताई है USDC में बताई थी। ठीक है, तो मेरे पास दो मैंने उधर कर दिया, 0.1 मेरे पास है, मैं यहाँ पे अप्रूव करके देखता हूँ इतने में मेरा काम होता है नहीं होता है। ठीक है, अगर इतने में काम हो गया तो आप मतलब आराम से हो ही जाएगा सारा काम। ठीक है, तो कन्फर्म पे मैंने क्लिक कर दिया, देन यहाँ पे पेंडिंग में चला गया ट्रांजेक्शन, देखते हैं कितनी देर में यहाँ पे वेरीफाई होता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, दोबारा बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप पूल पे क्लिक करोगे ना तो बिल्कुल नीचे आओगे, नीचे तो यहाँ पे आपको USDC का ये देखो ऑप्टिमिज्म का दिखेगा, अब यहाँ पे आपका फंड दिख जाएगा जो भी आपका फंड हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कितना किया 0.1 किया मेरा इंस्टेंट, यहाँ पे किस पे ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करना, ये वाला यहाँ पे मेरा ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँगा, मैंने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किया, मेरा वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली। अब ये जो नेक्स्ट कह रहा है माइग्रेट फार्म यील्ड ऑन योर USDT LP स्टार गेट, तो जो हमने स्टार गेट में किया है ना हमको उसी में करना है। ठीक है, हमको दोबारा से और नहीं करना है, तो हमको क्या करना है, जो हमारा जितना मतलब स्टेक हुआ था तो मेरा 0.1 था, तो उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैक्सिमम पे क्लिक कर देना और यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देना। ठीक है, जो 0.1 मैंने बन किया था मतलब 7-8 रुपये का USDC। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया और ये यहाँ पे इंस्टेंट हो जाएगा मे बी शायद। ठीक है, हो जा, तो मिनिमम आपका बन तो रहना ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैंने बन से कम किया था तो यहाँ पे हो नहीं रहा था, तो मैंने जैसे यहाँ पे एक किया तो मेरा यहाँ पे हो गया और मेरा यहाँ पे कन्फर्मेशन भी आ गया मेरे वॉलेट पे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो पेंडिंग हो गया और ये ट्रांजेक्शन कन्फर्म हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, तो ये भी सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाना चाहिए क्योंकि जो देखो हो गया, मैं यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक किया तो सक्सेसफुली यार हमारी मतलब ये जो क्विज है ना क्या बोलते हैं ये वाली ऑप्टिमिज्म वाली, ये हमने दोनों सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे बाउंटी आती हैं, इनमें पार्टिसिपेट करते रहना, यहाँ से आपके एयर ड्रॉप के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोफाइल में आके अपने सोशल अकाउंट्स वगैरह ऐड कर लेना, अचीवमेंट में जाओगे तो यहाँ पे आपने कितने लेवल कंप्लीट कर लिए हैं, कितने आप क्या क्या यहाँ पे करते हो वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। ठीक है, पर डे लॉगिन करना भी आपको XP मिलता है और हो सकता है फ्यूचर में ये Layer 3 का अगर टोकन वगैरह आया तो उसका भी एयर ड्रॉप आप लोगों को डेफिनेटली मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो लाने के लिए गाइस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।